कौमी क्रिकेट टीम के सबक ऑलराउंडर और चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद भी की और तबसरा भी कर दिया मकामी टी वी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कौमी क्रिकेट टीम के सबक कप्तान शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान टीम की फील्डिंग पर तनकीद करते हुए कहा जब कप्तान मैदान में अपनी पूरी कमिटमेंट पेश करता है तो खिलाड़ी भी दो सौ फीसद देते हैं उन्होंने कहा अगर कप्तान अपना बेहतरीन देने की कोशिश करता है तो वो मैदान में मुतहरक होता है तो दीगर खिलाड़ियों को भी शर्म आती है जब कप्तान कर सकता है तो हम क्यों नहीं सबक क्रिकेटर ने माजी की मिसाल देते हुए कहा जब मैं कप्तान था तो खिलाड़ी हमें फ़ॉलो करते थे जब हम मैदान में दौड़ते थे और खिलाड़ियों को सपोर्ट करते थे तो पूरी टीम चार्ज अप हो जाती थी अफरीदी ने कहा जब इंजमाम हक़ फील्ड के दौरान डाइविंग करते थे तो यकीन करें हम खिलाड़ी शर्म महसूस करते थे कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि अगर इंजमाम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते शाहिद आफरीदी ने आस्ट्रेलिया की मसाल पेश करते हुए बताया कि यके बाद दीगरे दो विकटें गिरने के बाद कैंगरूज मखालफ पर दबाव बढ़ाते हैं लेकिन जब बारह गेंदों पर चार रन की ज़रूरत है तो बाबर आजम ने बैकवर्ड पॉइंट लिया है फास्ट बॉलर गेंदबाजी कर रहा है लेकिन कोई स्लिप नहीं है क्यों उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना कोई मजाक नहीं ये कोई गुलाब का बिस्तर नहीं होता जब आप अच्छा करते हैं तो हर कोई आपकी तारीफ़ करता है और जब आप ऐसा नहीं करते तो हर कोई आपके साथ हेड कोच पर भी इल्ज़ाम लगाता है वाजह रहे कि अफ़गानिस्तान से शिकस्त के बाद कहा जा रहा है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान भी झड़प हुई है इससे कबल भी एशिया कप में शिकस्त के बाद दोनों खिलाड़ियों के दरमियान झगड़े की खबरें सामने आई थी शाहिद अफरीदी की जानब से इस तरह का तबसरा करना बताता है कि खिलाड़ियों के दरमियान इख्लाफा हैं और बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उधर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आई सी सी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम समेत कई क्रिकेटर्स को रोते हुए देखा गया है भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद कप्तान बाबर आजम समेत कौमी क्रिकेटर्स को होटल में रोते हुए देखा गया जिसकी सबक क्रिकेटर्स ने भी तस्दीक की है अफगान टीम के खिलाफ शिकस्त ने क्रिकेटर पर काफी गहरा असर डाला है कौमी टीम के खिलाड़ी ग्राउंड में भी अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद परेशान और मायूस कन थे अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम के सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें अगर मगर का शिकार हो चुकी हैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पांच मैचज में से तीन हारे जबकि दो में से फता नसीब हुई है वर्ल्ड कप में मसलसल तीन शिकस्तों के बाद कौमी टीम सताईस अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबला आएगी हार की सूरत में कौमी टीम के सेमीफाइनल में रसाई तकरीबन ख़त्म हो जाएगी जबकि जीत उम्मीदों को बरकरार रखेगी उम्मीद है नाजरीन आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें शुक्र